रश्मि, इस बार दिवाली पर क्या खास बनाने वाली है? क्या बनाना यार, पिछली बार दिवाली पर इतना कुछ बनाया किसी को पसंद नहीं आया, इस साल कुछ मन ही नहीं है बनाने का। मूड ऑफ मत कर और ये ले सर्वोपरि के प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स और मना अपना त्योहार लाजवाब स्वाद के साथ। जी हाँ, इस दिवाली बेसन के लड्डू बनाओ या मैदा की मीठी इमरती, सूजी का स्वादिष्ट हलवा या फिर सेहत के लिए डाइटी दलिया, या फिर गर्मा गर्म रोटी से सबका दिल जीतना हो तो ले आओ 100% प्योर सर्वोपरि प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऐसा स्वाद जो सबके मन को भाए। अरे वाह, सर्वोपरि, टेस्ट नए इंडिया का। आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ में आज डॉक्टर नाजिया गनी ने अपने डीडीसी उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुंछ जिले के साईं बाबा नंगाली ब्लॉक से भरा। एसडी मनोज सिन्हा ने आज अंगरोटा में हुए एनकाउंटर में आतंकवादियों को बेअसर करते हुए जीएमसी का दौरा किया और जेकेपी के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी भलाई के बारे में पूछताछ की। सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से एक पैरा साइकिलिंग अभियान इन्फिनिटी राइड 2020 का आयोजन किया गया। पुंछ में आज बीजेपी कार्यालय पुंछ में एक बैठक की गई। ये बैठक जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की अध्यक्षता में की गई। सुनील डिंपल ने आज नगरोटा में हुए आतंकी मुठभेड़ पर अम्फाला जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर एंटी पास जैश ए मोहम्मद आतंकवादी विरोध रैली का नेतृत्व किया। मेरा शहर मेरी शान के तहत जो प्रोग्राम म्युनिसिपैलिटी कमेटी गो मनासा में आयोजित किया गया था, उसमें जो लोगों की पिछली 10 सालों से एक डिमांड थी वो रोड की थी और अब वो रोड बनने में तैयार हो चुका है। जम्मू में देवगंज प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पीसीसी मुख्यालय में बनाई गई। भारतीय सेना ने ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन बडगाम में सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग ट्रेनिंग के आधार पर प्रस्तुति समारोह का आयोजन किया। प्रतिष्ठाताओं को पुरस्कार प्रमाण पत्र दिए गए। निष्कासन अभियान के एक हफ्ते बाद जम्मू और कश्मीर सरकार द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2016 को लागू करेगी, जिसे पिछले 14 वर्षों से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। बैंड टोल प्लाजा में हुई मुठभेड़ पर आईजी जम्मू मुकेश सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इसी तरह कल देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट।